हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्वेल्थ कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर टू का चैप्टर नंबर वन का मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट इज़ कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट चैप्टर का हम मिसलेनियस एक्सरसाइज आज कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर थ्री ट्रू एंड फॉल्स टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फोर ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो क्वेश्चन नंबर फोर का देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेल्समैन गेट्स अ कमीशन ऑफ 6.5% ऑन द टोटल सेल्स, ठीक है, मेड बाय हिम। तो 6.5% का कमीशन है वो टोटल सेल्स के ऊपर है। एंड यहाँ पर देखो क्या लिखा है, बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर ₹50,000, फाइंड द टोटल इनकम ऑन अ टर्न ओवर ऑफ ₹75,000। तो यहाँ पर जो एजेंट है उसको दो टाइप का कमीशन मिल रहा है। एक तो उसको कमीशन मिल रहा है कितने परसेंट का, देखो 6.5% का ऑन टोटल सेल्स, उसके ऊपर उसको 6.5% का कमीशन है। और उसके बाद नेक्स्ट उसको बोनस मिलेगा अगर उसका सेल्स मोर देन 50,000 होगा। तो मोर देन 50,000 जितना भी सेल्स वैल्यू होगा उसके ऊपर 1% का उसे बोनस मिलेगा। तो हमें एजेंट का टोटल इनकम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एजेंट का 6.5% कमीशन निकालेंगे ऑन टोटल सेल, उसके बाद हम 1% बोनस फाइंड आउट करेंगे ऑन सेल्स ओवर ₹50,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इनकम ऑफ एन एजेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है टोटल सेल वैल्यू ₹75,000 ना, बिकॉज यहाँ पे लिखा है और टर्न ओवर ऑफ ₹75,000। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा टोटल सेल वैल्यू, हाँ टोटल सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू आपको कितना दिया है ₹75,000, देखो दिया है। तो टोटल सेल वैल्यू कितना है ₹75,000 का है। तो ₹75,000 के ऊपर कमीशन कितना बोल रहा है, 6.5% बोल रहा है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कमीशन, ठीक है, कमीशन ऑन टोटल सेल वैल्यू, ठीक है, कमीशन ऑन टोटल सेल वैल्यू, कमीशन ऑन टोटल सेल वैल्यू इज इक्वल टू कितने का कमीशन है, 6.5% का कमीशन है। तो ये हो जाएगा आपका 6.5/100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल सेल वैल्यू है ₹75,000, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये कैंसिल करो आपका, देखो ये 20 और ये 20 कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6.5 मल्टीप्लाइड बाई देखो यहाँ पर 750, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है तो 0 को रिमूव करोगे तो डेसिमल आपका जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 × 75 मल्टीप्लाई कर, देखते कितना आता है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ₹4875, ठीक है, ₹4875। तो ये हमें क्या मिला, ₹4875, 4875 इज़ द कमीशन ऑन टोटल सेल्स ऑफ ₹75,000। ये कमीशन हो गया एट द रेट 6.5%। अब हम बोनस अमाउंट यहाँ पे निकालेंगे। तो बोनस के लिए कंडीशन दिया है, देर इज़ अ 1% बोनस ऑन सेल्स ओवर ₹50,000। तो अगर 50,000 के ऊपर सेल होगा तो 1% का बोनस है। तो यहाँ पे सेल देखो 75,000 है, यानी कि 50,000 के ऊपर जितना भी सेल होगा उसका हमें 1% बोनस मिलने वाला है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स, देखो सेल्स ओवर रुपीज़, हाँ सेल्स ओवर ₹50,000, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75,000 है टोटल सेल, माइनस कर दो यहाँ पर 50,000 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 25,000 हो जाएगा, ठीक है 25,000। तो सेल्स ओवर ₹50,000 इज ₹25,000 मिल गया। तो ये जो ₹25,000 का सेल है इसके ऊपर 1% का बोनस है। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर बोनस ऑन सेल ऑफ रुपीज, लिखो आप 25,000 इज इक्वल टू कितना दिया है बोनस का परसेंटेज, 1% आपको दिया है। तो 1% हम लिखेंगे 1/100, और वो किसके ऊपर निकालना है, 25,000 के ऊपर आपको निकालना है। तो कैंसिल होगा, 20 जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे ₹250, ठीक है। तो बोनस कितना मिला एजेंट को, ₹250।
एंड कमीशन कितना मिला टोटल सेल्स के ऊपर 4875। तो हम टोटल इनकम निकाल सकते हैं, मैं आप लिखूंगा देयरफॉर टोटल इनकम ऑफ एजेंट इक्वल टू क्या आएगा आपका कमीशन ऑन सेल्स, दिस इज इक्वल टू कमीशन ऑन सेल्स प्लस बोनस ऑन सेल्स ओवर ₹50,000। तो कमीशन ऑन सेल्स कितना निकाला हमने ₹4875, तो ये जाएगा 4875 प्लस बोनस अमाउंट मिला है 250 ऐड कर दो, देखते कितना आता है। सो दिस इज ज़ीरो, तो 0 प्लस 5 हो जाएगा, देन 5 प्लस 7 12 हो जाएगा, देन 8 प्लस 2 10 11 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, तो ₹5125 इज द टोटल इनकम ऑफ एन एजेंट मिल गया। फाइनल आंसर मैं लिखूंगा देयरफॉर टोटल इनकम ऑफ एजेंट इक्वल टू ₹5125। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, अ शॉप इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 3/4% अमाउंट टू ₹73,125। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शॉप। तो हमें शॉप का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो यहाँ पर आपको शॉप का सेलिंग प्राइस भी नहीं पता है, तो पहले हम ट्राई करेंगे सेलिंग प्राइस निकालने का, उसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस, बस प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले मैं गिवन थिंग्स लिखता हूँ, यहाँ पे क्या दिया है आपको, अ शॉप इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है रेट ऑफ प्रॉफिट कितना दिया है 30%, और आपको पता है कि प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस तो आपको दिया नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, 3/4% ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज है, तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ रेट ऑफ ब्रोकरेज। हाँ, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है 3/4% आपको दिया है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 3/4% अमाउंट्स टू ₹73,125। तो 73,125 इज द ब्रोकरेज अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रोकरेज अमाउंट आपको दिया है कितना, ब्रोकरेज अमाउंट इक्वल टू आपको दिया है ₹73,125 दिया है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। देखो यहाँ पे आपको रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है 3/4%, और आपको अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज भी दिया है 73,125। तो हम ये ब्रोकरेज को यूटिलाइज करके आगे सम्स को सॉल्व करेंगे, और आपको पता है कि ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, बट आपको सेलिंग प्राइस तो दिया नहीं है, तो पहले हम सेलिंग प्राइस को अज्यूम करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर लेट रुपीज़ एक्स बी द सेलिंग प्राइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर आपका हो जाएगा ये ब्रोकरेज इक्वल टू होता है रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल सेलिंग प्राइस। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है आपको, 3/4% है, तो 3/4% है, तो 3/4% का मीनिंग होता है 3/4/100 हो जाएगा ना, परसेंटेज है ये 3/4/100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल सेलिंग प्राइस हमने कितना लिया हुआ है, रुपीज़ एक्स लिया हुआ है, और ब्रोकरेज अमाउंट आपको दिया है क्वेश्चन में 73,125। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 73,125 इज इक्वल टू, ये मैं सॉल्व करूँगा, देखो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/, ये दोनों भी डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 100, तो यू विल राइट हियर 400, और ये देखो आपका मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, अपने को एक्स चाहिए, हाँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका एक्स इज इक्वल टू 73,125। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 400 डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इनटू देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 400, और यहाँ पे डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 3,
तो यहाँ से देखो आपको x मिल जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, कैंसिलेशन करते हैं। देखो यहाँ पे 3 1 3 हो जाएगा, और ये 3 2 6 हो जाएगा, और ये 3 4 12 और 1 13 2 11, 3 3 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बच रहा है देखो आपका 2, और ये फिर 2, तो 3 7 21, फिर 1 बचेगा, 3 5 आपका 15 आएगा। तो हमें यहाँ से मिल रहा है 2 4 3 7 5 मल्टीप्लाइड बाई देखो यहाँ पर 400 है। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 0 4 से इंटू करो, 4 5 हो जाएगा आपका 24 7 28 28, और ये 2 आपका हो जाएगा देखो 30, एंड 4 3 12, 12 में हम 3 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 15, देन 4 4 16 16, और ये 17 हो जाएगा, तो 7 हो गया, एंड 4 2 8 8 और 1 9, तो देखो 97 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 97,50,000। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफोर सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 97 लाख, आप लिखोगे यहाँ पर 50,000, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस भी गॉट रुपीज़ 97,50,000, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। बट हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, तो अब मैं कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर सकता हूँ। तो इसे मैं देखो दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, सेलिंग प्राइस हमें मिल चुका है, बट हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है, और आपको पता है कि प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो मैं अज्यूम करता हूँ, आई विल राइट हियर लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप लिखो, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप इज इक्वल टू रुपीज़, मैं वाई अज्यूम कर लेता हूँ, बिकॉज हमने एक्स को सेलिंग प्राइस लिया था, तो हम वाई को लेते हैं कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ पे 30% आपको प्रॉफिट दिया है, एंड वी नो दैट प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉफिट इक्वल टू, हाँ, सो प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस। तो रेट ऑफ प्रॉफिट कितना दिया है, 30%, तो 30/100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस को हमने y अज्यूम कर लिया है। सिंप्लीफाई कर दो, 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3y/10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफोर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹3y/10, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आपको सेलिंग प्राइस मिल गया है, प्रॉफिट मिल गया है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, एंड देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। रिलेशन देखो ये है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है, हाँ, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपको पता ही है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट कितना मिला है हमें यहाँ पर 3y/10 मिला है। सेलिंग प्राइस हमने देखो निकाला है इक्वेशन नंबर 1 में, सेलिंग प्राइस है 97,50,000, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 97 लाख, और ये देखो आपका 50,000 माइनस। कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया है, कितना अज्यूम किया हमने कॉस्ट प्राइस को, ₹y, तो यहाँ पर आप माइनस वाई लिख दो, सिंप्लीफाई करोगे सॉल्यूशन आ जाएगा। माइनस वाई को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3y/10, माइनस वाई यहाँ पर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 97 लाख, और ये 50,000 हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपॉन 1 लेकर के, तो 3y/10y क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो आपको ऐसे मिलेगा 3y/10y/10 इज इक्वल टू 97,50,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3y/10y, तो ये हो जाएगा आपका देखो 13y, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 97 लाख, और ये देखो आपका 50,000 है, 10 यहाँ पर डिवाइड है तो राइट साइड में जाएगा, तो वो इंटू हो जाएगा इंटू 10, देखते हैं फाइनल आंसर क्या मिलता है हमें। तो देयरफोर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 97,50,000 इंटू 10 है, तो ये हो जाएगा 975, और ये 5 times 0 हो जाएगा आपका इंटू 10 किया तो 13 मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर जा करके ये डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं कितना था डिवाइड करके, 97/13, तो 13 7 आ जाएगा 91, ठीक है, 6 आएगा 65 हो जाएगा, 13 5 65 होता है, और ये आपका 50 एज इट इज़ कॉपी कर लो। तो y हमने क्या लिया था, y हमने लिया था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना मिला आपको ₹75 लाख, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफोर कॉस्ट प्राइस, हाँ,
therefore cost price equal to लिख दो आप rupees 75 lakh। ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, अ मर्चेंट गिव्स 5% कमीशन एंड 1.5% डेल क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप का कमीशन है, एक तो नॉर्मल कमीशन है और दूसरा आपको डेल क्रेडिट दिया हुआ है टू हिज एजेंट। इफ द एजेंट सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 30,600, हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव्स। यानी कि मर्चेंट जो अपना गुड्स है उसे सोल्ड करने के लिए, यानी कि जो मर्चेंट है वो गुड्स को सेल करने के लिए वो एजेंट के थ्रू सेल कर रहा है, तो एजेंट का जो कमीशन है वो 5% है और जो डेल क्रेडिट एजेंट है उसका कमीशन यहाँ पर कितना दिया हुआ, देखो हमें 1.5% दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मच अमाउंट डज द सेलर यानी कि जो मर्चेंट है उसको रिसीव होगा। हम क्या करेंगे, पहले एजेंट का कमीशन निकालेंगे, उसके बाद हम डेल क्रेडिट का कमीशन निकालेंगे, फिर टोटल कमीशन को ऐड कर देंगे हम लोग। एक बार आपको टोटल कमीशन मिल जाएगा तो टोटल कमीशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे टोटल सेलिंग प्राइस से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दैट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द सेलर। तो पहले हम गिवन थिंग्स को लिख देते हैं। तो हमें देखो यहाँ पे क्या दिया है, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन देखो आपको कितना दिया है, रेट ऑफ कमीशन देखो, रेट ऑफ कमीशन इक्वल टू आपको दिया है 5% और आपको यहाँ पे दिया है रेट ऑफ डेल क्रेडर। हाँ, रेट ऑफ डेल क्रेडर आपको कितना दिया है, ये 1.5% है। ठीक है, दो टाइप का कमीशन है, एजेंट को जा रहे हैं। अब हमें देखो यहाँ पे कितना दिया है, इफ द एजेंट सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 30,600, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको दिया है, तो आई विल राइट हियर सेलिंग प्राइस। हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कितना दिया है, रुपीज आपको दिया है 30,000, देखो 600 है, सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज रुपीज 30,600 और आपको मालूम है कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव्स, यानी कि जो टोटल कमीशन है उसे देने के बाद, यानी कि जो टोटल कमीशन है वो एजेंट का माइनस करने के बाद कितना अमाउंट रिसीव होगा सेलर को या मर्चेंट को। ठीक है, हम तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कमीशन। हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कमीशन, आई विल राइट हियर कमीशन ऑफ एजेंट। ठीक है, कमीशन ऑफ एजेंट इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय टोटल सेल्स वैल्यू। तो रेट ऑफ कमीशन कितना है, 5% है, तो 5/100 इंटू टोटल सेल प्राइस कितना है गुड्स का, 30,600 रुपीस। तो सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे 2020 आपका कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 5 × 306 मल्टीप्लाई करो, 5 × 6 = 30, 5 × 0 = 0 तो 3 आएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा ये। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ रुपीज़ 1530। हाँ, तो ये हो जाएगा देखो एजेंट का कमीशन रुपीज़ 1530। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर कमीशन ऑफ एजेंट। हाँ, इसे मैं दे देता हूँ कमीशन ऑफ एजेंट। हाँ, कमीशन ऑफ एजेंट हो गया रुपीज़ 1530। अब देखो यहाँ पे दिया है 1.5% डेल क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा डेल क्रेडिट अमाउंट। हाँ, तो आई विल राइट हियर डेल क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, डेल क्रेडिट अमाउंट इक्वल टू कितना है, 1.5% है, तो 1.5 / 100 इंटू, तो डेल क्रेडर रहेगा या फिर कमीशन रहेगा, ऑल दीज आर कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है गुड्स का, 30,600। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ 30,600। सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम, ये 2020 आपका कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 1.5 × 306। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रुपीज़ 459 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल क्रेडर एजेंट का कमीशन हो गया रुपीज़ 459। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर टोटल कमीशन ऑफ एजेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, टोटल कमीशन ऑफ एजेंट इक्वल टू क्या आएगा, टोटल कमीशन ऑफ एजेंट इक्वल टू कमीशन ऑफ द एजेंट प्लस डेल क्रेडर अमाउंट। तो कितना हो जाएगा, कमीशन ऑफ द एजेंट है रुपीज़ 1530 प्लस डेल क्रेडिट कितना है रुपीज़ 459। तो हम इसे ऐड कर देते हैं, देखते कितना आता है,
तो 9 + 0 तो 9 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 4 + 5 तो 9 हो जाएगा, और ये 1 1 9 8 9 हो जाएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर टोटल कमीशन, सो टोटल कमीशन राइट डाउन, टोटल कमीशन ऑफ एजेंट, हाँ टोटल कमीशन ऑफ एजेंट इक्वल कितना हो गया, ये रुपीज़ 1 9 8 9 हो गया। बट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमाउंट डज द मर्चेंट रिसीव्स आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर अमाउंट, हाँ देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय मर्चेंट आप लिखोगे, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय मर्चेंट इक्वल टू टोटल सेल वैल्यू, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेल वैल्यू माइनस आएगा आपका टोटल कमीशन, टोटल सेल वैल्यू माइनस यहाँ पे लिख दो आप टोटल कमीशन, तो टोटल सेल वैल्यू कितना है 30,600, तो ये हो जाएगा आपका 30,600 माइनस टोटल कमीशन कितना है एजेंट का 1 9, और ये देखो आपका 8 9 है, सब्ट्रैक्शन करता हूँ मैं, 10 - 9 तो 1 हो जाएगा, 9 - 8 1 हो जाएगा, 5 - 9 तो ये 15 - 9 तो यहाँ पे 6 आएगा आपका, फिर यहाँ पर देखो आपका 9 है, 9 - 1 तो 8 आएगा, और यहाँ पर आपका 2 बचेगा, 28611 तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड बाय मर्चेंट और यू कैन से सेलर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम रुपीज़ 28,611, तो ये आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमेटिकली आप सॉल्व करोगे तो आपको सोल्यूशन मिलते जाएगा। आपको पता होना चाहिए गिवन थिंग्स क्या दिया और क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा बेसिक अगर आपको पता रहेगा तो कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली इसे सॉल्व कर लोगे। तो सेम टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, तो अगर आप मिसलेनियस भी सॉल्व कर लेते हो तो आपको एक अच्छा खासा प्रैक्टिस मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ सीधे क्वेश्चन में 4 आपको दिया है, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एट 7.5% ऑन फर्स्ट रुपीज़ 50,000 एंड 5% ऑन द बैलेंस ऑफ द सेल्स मेड बाय हिम, एंड एजेंट रिमिट्स रुपीज़ 93,750 टू हिज प्रिंसिपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय हिम। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है कि सेल्स वैल्यू आपको पता नहीं है, बट यहाँ पे मेंशन किया है कि 7.5% कमीशन है ऑन रुपीज़ 50,000, बिकॉज मेंशन किया है कि देर इज़ अ 7.5% कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ रुपीज़ 50,000, और 50,000 के ऊपर जो भी सेल्स होगा उसके ऊपर कमीशन कितना दिया है, 5% दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है फर्स्ट 50,000 रुपीज़ के ऊपर, और 50,000 के ऊपर जो सेल्स होगा उसका भी हमें कमीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, एंड एजेंट रिमिट्स रुपीज़ 93,750 टू हिज प्रिंसिपल, यानी कि जो एजेंट है वो अपना कमीशन डिडक्ट करके, अपने कमीशन को माइनस करके सेल्स में से जो रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि जो रिमेनिंग सेल्स वैल्यू है, वो प्रिंसिपल यानी कि जो मर्चेंट है उसे रिटर्न कर देता है। तो ये जो 93,750 अमाउंट है, दिस इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर आफ्टर डिडक्टिंग द टोटल कमीशन ऑफ द एजेंट, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। बट एग्जैक्ट कितना सेल्स वैल्यू वो अपने को दिया नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट 50,000 सेल्स तो दिया है, बट उसके ऊपर कितना सेल है वो हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे सेल्स वैल्यू को अज्यूम करना पड़ेगा हमें। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो आई विल राइट हियर लेट रुपीज एक्स, हाँ लेट रुपीज एक्स बी द टोटल सेल वैल्यू, हाँ लेट रुपीज एक्स बी द टोटल, यहाँ पर लिखा है सेल्स वैल्यू, ठीक है लेट रुपीज एक्स बी द टोटल सेल्स वैल्यू, और यहाँ पे क्या दिया है फर्स्ट 50,000 सेल्स पे 7.5% कमीशन है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, आई विल राइट हियर कमीशन, हाँ मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ कमीशन ऑफ एजेंट, हाँ कमीशन ऑफ एजेंट ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 50,000, ठीक है फर्स्ट 50,000, तो फर्स्ट 50,000 पे कमीशन हम फाइंड आउट करेंगे एजेंट का। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय द सेल्स वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000। तो रेट ऑफ कमीशन कितना है 7.5%
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रुपीज़ 50,000, फर्स्ट 50,000 सेल्स है यहाँ पर देखो आपका, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है तो 7.5% है ना, तो हम उसे 7.5 भी तो लिख सकते हैं, 7.5 को, तो 7.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पर कितना आएगा 50,000। सिंप्लीफाई करेंगे, ये टू ज़ीरो आपका कैंसिल हो गया, 7.5 है इंटू देखो यहाँ पर 500 है, तो 10 यहाँ पर जाएगा तो वो 75 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर आपका 50 बचेगा। सो देखते कितना आता है, देखते मल्टीप्लाई करें कितना आता है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 0, 5 5 25 हो जाएगा, 5 7 35 35 और 2 तो कितना हो जाएगा, ये देखो आपका 37 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज़ इक्वल टू रुपीज़ 3750। तो जो रुपीज़ 3750 है, दिस इज़ द कमीशन एट द रेट ऑफ 7.5% ऑन फर्स्ट 50,000 रुपीज़। एट जो रिमेनिंग बैलेंस जो सेल है उसके ऊपर कमीशन कितना दिया है, 5% का दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस देयर इज़ अ कमीशन यहाँ पे लिखा है, सिंस देयर इज़ अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ओवर लिख सकते हैं हम लोग सेल्स ऑफ रुपीज़ 50,000, ठीक है। तो 50,000 के ऊपर जितना भी सेल्स होगा उसके ऊपर कमीशन कितना दिया है, यहाँ पर आपको 5% दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयर फॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन ऑन सेल्स ओवर रुपीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे 50,000, दिस इज़ इक्वल टू, देखो टोटल जो सेल अमाउंट है वो हमने एक्स रुपीज़ लिया है, ठीक है। तो सेल्स ओवर रुपीज़ 50,000, तो 50,000 के ऊपर कितना सेल हुआ, तो टोटल सेल माइनस फर्स्ट 50,000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 50,000 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 50,000 के ऊपर रेट ऑफ कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन है 5%, हम यहाँ पे लिख देंगे 5/100। तो ये जो हम निकाल रहे हैं दिस इज़ द कमीशन ऑन सेल्स ओवर रुपीज़ 50,000, ठीक है। तो देखते कितना आता है, सिंप्लीफाई हमें करना होगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हम इसे लिखेंगे एक्स माइनस, और यहाँ पर देखो ये 50,000, ठीक है, एक्स माइनस 50,000 डिवाइड बाय 5/100 कैंसिल होगा, तो 5 2 देखो ये 20 हो जाएगा। सो दिस इज़ द कमीशन ऑन सेल्स ओवर रुपीज़ 50,000। तो अभी हम टोटल कमीशन निकाल सकते हैं, मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा टोटल कमीशन कितना मिलेगा, 7.5% पे कितना कमीशन मिला है, देखो रेट ऑफ कमीशन जब 7.5% रहेगा तो कितना मिला है 3750, तो टोटल कमीशन हो जाएगा 3750 प्लस दिस अमाउंट, ये भी कमीशन है 5% का, जो बैलेंस अमाउंट है 50,000 के ऊपर जो सेल्स हुआ है। सो दिस इज़ एक्स माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम 50,000 और ये देखो आपका डिवाइड बाय 20 है दिस वे, तो ये देखो आपका टोटल कमीशन है, यहाँ पर आपको दिया है 93,750 रुपीज़ वो सेलर को यानी कि मर्चेंट को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यानी कि दिस इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयर फोर अमाउंट रिसीव्ड बाय हम यहाँ पे लिखेंगे सेलर, हाँ देयर फोर अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर इक्वल टू, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सेल वैल्यू माइनस टोटल कमीशन ऑफ द एजेंट। तो टोटल सेल वैल्यू कितना है, एक्स हमने लिया है, माइनस टोटल कमीशन ऑफ द एजेंट कितना मिला है, देखो अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर इक्वल टू टोटल सेल वैल्यू माइनस टोटल कमीशन ऑफ द एजेंट। तो टोटल कमीशन ऑफ द एजेंट देखो हमने यहाँ पे निकाला है, तो लिख दो आप 3750 प्लस देखो यहाँ पर है, और यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में एक्स माइनस दिस इज 50,000 और यहाँ पे डिवाइड बाय आपको दिया है 20, ब्रैकेट क्लोज कर दो। एंड दिस अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर देखो यहाँ पर दिया है 93,750 रुपीज़, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर 93,750 दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 3750, फिर ये भी माइनस हो जाएगा एंड दिस विल बी एक्स माइनस यहाँ पर लिखेंगे हम 50,000 एंड दिस इज़ डिवाइड बाई 20, सिंप्लीफाई करना है, माइनस 3750 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, देखो माइनस 3750 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 93750, ये प्लस हो जाएगा 3750 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है आपका
x माइनस यहाँ पर है x माइनस दिस इज 50,000 और डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 20 है। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, ये हो जाएगा आपका देखो ज़ीरो, तो लिख दिया ज़ीरो यहाँ पे, 5 + 5 = 10 हो जाएगा, फिर 7 + 7 हो जाएगा 14 और ये 1 तो 15 हो जाएगा, देन 3 + 3 = 6 और ये 7 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर देखो 9 बच रहा है, 97,500 आ रहा है। एंड दिस इज़ इक्वल टू, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 × x, ये 20x हो जाएगा माइनस, देन ये ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज होगा, हाँ माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो आपका ये 50,000 और हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिवाइड बाय 20। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। सिंप्लीफाई करता हूँ देखो मैं कितना हो जाएगा ये, सो दिस इज़ 9, 7 और ये 500, दिस इज़ इक्वल टू 20x - x, तो कितना हो जाएगा ये 19x हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आपका बच रहा है प्लस, ये 50,000 आपको ऐसे लिखना है डिवाइड बाय यहाँ पर देखो 20 है, तो अगेन हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ इसको ऐसे अपॉइंट 1 लेकर के अगेन हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा ये 0 देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, देन और ये भी देखो आपका 0 है, 2 0 तो यहाँ पर ही है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 = 10 हो जाएगा और 2 7 = 14 और ये 1 15 हो जाएगा, 2 9 = 18 हो जाएगा, 18 और 1 1 देखो 19 हो जाएगा, ठीक है, दिस मच हो गया। एंड दिस इज़ इक्वल टू ये 19x है प्लस यहाँ पर देखो आपका बच रहा है 50,000। सिंप्लीफाई करते जाना है, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 195, ठीक है दिस मच, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा, देखो ये 50,000 एंड दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है 9x, तो देखते कितना आता है, क्या ये 40 हो जाएगा, 1 2 3 4 0, ठीक है, देन 5 - 5 देखो आपका 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 9 बच रहा है और ये 1 बच रहा है, ठीक, एंड दिस इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 19x हो जाएगा, हमें x का वैल्यू चाहिए तो x इज़ इक्वल टू, अब 19 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो जब 19 डिवाइड हो जाएगा तो 19 1 हो जाएगा 1 और ये 50 आप लिख लो, 1 2 3 4 50, तो ये देखो आपको x का वैल्यू आ गया, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय हिम, तो वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय हिम इज़ ₹10 lakh, तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, हमने x को क्या अज्यूम किया था, हमने x को अज्यूम किया था कि टोटल सेलिंग प्राइस, हाँ हमने देखो x को अज्यूम किया, लेट ₹x बी द टोटल सेल्स वैल्यू, और क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द एजेंट, तो फाइनल आंसर आप लिखोगे वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द एजेंट इज़ ₹10 lakh, मैं यहाँ फाइनल आंसर लिखता हूँ, देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुड्स, हाँ वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे हम, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय यहाँ पर लिखोगे एजेंट इक्वल टू ₹, हम यहाँ पर लिख देंगे देखो 10 lakh, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी हियर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमें दिया है, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹11,660 ड्यू 9 months हैंस इज ₹11,000, तो क्वेश्चन को आपको ठीक से रीड करना है, बिकॉज थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ, देखो क्वेश्चन को यहाँ पे, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹11,660 ड्यू 9 months हैंस इज ₹11,000, तो जो ₹11,000 है वो प्रेजेंट वर्थ दिया हुआ है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, हमें प्रेजेंट वर्थ दिया है, तो प्रेजेंट वर्थ को हम PW से लिखते हैं, तो प्रेजेंट वर्थ कितना दिया है आपको यहाँ पे 11,000 देखो आपको दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन को ठीक से रीड करो, अदरवाइज आप 11,660 को प्रेजेंट वर्थ बोल दोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन ने मेंशन किया द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹11,660 ड्यू 9 months दिया है, हेंस ₹11,000, तो प्रेजेंट वर्थ यहाँ पर 11,000 है और ये जो आपको दिया है ना 11,660 ये ड्यू अमाउंट है, तो ड्यू अमाउंट मतलब वो सम ड्यू हो गया, तो यहाँ पे आपको सम ड्यू दिया है, उसे हम लिखते हैं SD, सम ड्यू हमें दिया है ₹11,660 और ये प्रेजेंट वर्थ आपका ₹11,000 हो गया। क्वेश्चन में आपको पूछ, और देखो यहाँ पे 9 months भी दिया है, ड्यूरेशन आपको दिया है 9 months, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, तो 9 months को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/1 year इक्वल टू 12 months होता है, तो 9 months में कितना ईयर होगा, तो 9/12 आप उसे कर दोगे, रिड्यूस कर सकते हैं हम इसे, तो 3 3 = 9 और ये 3 4 हो जाएगा दिस मच ईयर हो जाएगा ये,
तो एन इक्वल टू टाइम पीरियड ईयर्स में ऑलवेज रखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, अब ये जो प्रेजेंट वर्थ है ना वो प्रिंसिपल होता है। सम ड्यू मतलब क्या होता है, अमाउंट आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टन नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है, 3/4 ईयर दिया है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट आर। तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो आपको सम ड्यू दिया है ना, तो हम सम ड्यू का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सम ड्यू का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो सम ड्यू इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस होता है, यहाँ पर सम ड्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट होता है, ध्यान में रखो आप, प्लस ट्रू डिस्काउंट दिस मच। तो सम ड्यू इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट होता है। प्रेजेंट वर्थ का मतलब आप प्रिंसिपल सम समझ के चलो, हाँ प्रिंसिपल सम यानी कि जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं उसे प्रिंसिपल सम बोलते हैं। ट्रू डिस्काउंट का मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो सम ड्यू मतलब टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर, या वी कैन से टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर, उसे हम बोलते हैं सम ड्यू। प्रेजेंट वर्थ मतलब आपका प्रिंसिपल हो गया और ट्रू डिस्काउंट मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो सम ड्यू यानी कि अमाउंट आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस ट्रू डिस्काउंट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है सम ड्यू, दैट मीन्स अमाउंट आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर। तो सम ड्यू तो हमें पहले से दिया हुआ है। सम ड्यू हमें कितना दिया, देखो यहाँ पे ₹11,660 बाद में लिखता हूँ मैं। तो सम ड्यू इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट तो दिया नहीं है, बट ट्रू डिस्काउंट का हमारे पास फॉर्मूला है। ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू होता है PW इंटू N इंटू R डिवाइड बाय 100। सेम वही फॉर्मूला है जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट को ही हम प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं, ये आप ध्यान में रखो, मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सिंपल वे से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सम ड्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो प्रेजेंट वर्थ है और यहाँ पर भी प्रेजेंट वर्थ है, तो दोनों टर्म में मैं प्रेजेंट वर्थ को कॉमन ले लूँगा। तो अगर मैं प्रेजेंट वर्थ को कॉमन लूँगा तो इनटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब वन बचेगा, प्लस ये प्रेजेंट वर्थ कॉमन गया है तो यहाँ बचेगा आपका एन इंटू आर और ये देखो आपका डिवाइड बाय 100। सो देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा सम ड्यू। सम ड्यू आपको दिया हुआ है ₹11,660, तो यहाँ पे पुट कर दो ₹11,660, दिस इज़ इक्वल टू। प्रेजेंट वर्थ भी आपको दिया है ₹11,000, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ ₹11,000 और यहाँ पे ब्रैकेट में है वन प्लस एन इंटू आर। एन जो है वो टाइम पीरियड है ईयर में, तो 3/4 दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/4 इंटू व्हाट इज आर। आर तो हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर देखो आपका डिवाइड बाय 100 है, इसे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। देखते क्या हो जाएगा। तो ये 11,000 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो LHS में आकर के वो डिवाइड हो जाएगा, देखो आपका 11,000 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा आपका 1 + 3/4 इंटू आर है, तो ये 4 और ये 100 मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दिस विल बी एक्चुअली 3R डिवाइड बाई 100 इंटू 4, तो ये हो जाएगा देखो आपका 400। सिंप्लीफाई करते जाना सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ये 0,0 कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, 0,0 कैंसिल किया तो यहाँ पे 1166 और यहाँ पे 1100 है। हम 11 से कैंसिलेशन कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 11 1 आएगा और ये 00 और यहाँ पर देखो आपका 11 1 0 11 6 आएगा, 66 होता है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 106 डिवाइड बाय 100 है एंड दिस इज़ इक्वल टू 1 + 3R डिवाइड बाय 400। हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका और सिंप्लीफाई करते हैं। ये प्लस वन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो ये जाएगा आपका 106 डिवाइड बाय 100, प्लस वन यहाँ पर आकर के माइनस वन हो जाएगा एंड दिस इज़ 3R अपॉन ये हो जाएगा आपका 400। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो 106 माइनस 100 इंटू 1 तो ये 100 हो जाएगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 100 इज इक्वल टू 3R अपॉन देखो ये 400 है। तो 106 माइनस 100 करेंगे तो 6 आएगा, 6 अपॉन 100 इज इक्वल टू दिस इज 3R डिवाइड बाय 400। अगेन हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो फिर आप ये देखो 20 और ये 20 को कैंसिल भी आप कर सकते हो। तो क्या बच रहा है देखो हमारा यहाँ पे 6 बच रहा है इज इक्वल टू दिस इज 3R अपॉन देखो यहाँ पर 4 बच रहा है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
फोर सिक्स जा 24 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 3R। हमें R का वैल्यू चाहिए तो R इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3, तो R का वैल्यू कितना मिलेगा 8%। क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आंसर लिखूंगा देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 यानी कि कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने सॉल्व कर दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूँगा। टोटल 17 क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।